नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्टेशन चौक पर अतिक्रमण, दस्ता और दुकानदारों के बीच झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, कहा दहेज के लिए पति करते हैं प्रताड़ित। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर डीएम ने की बैठक, आपदाओं से बचाव के लिए दिए कई आवश्यक निर्देश। प्रमंडलीय आयुक्त ने रेफर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कमियां देख सिविल सर्जन को दिए आवश्यक निर्देश। और छात्रों ने विभागाध्यक्ष पर लगाया बदसुलूकी का आरोप, कुलपति से की शिकायत, विभाग में दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। शहर में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए भागलपुर नगर निगम प्रशासन ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। 3 दिनों तक चलने वाले अभियान के पहले ही दिन अतिक्रमण दस्ता और दुकानदारों के बीच स्टेशन चौक पर झड़प हो गई। वहीं झड़प की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसके बाद वरीय अतिक्रमण प्रभारी इंजीनियर राकेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने दबा पट्टी एवं अन्य मार्गों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि अभियान 15 मई तक शहर के विभिन्न मार्गों में निरंतर चलाया जाएगा। गौरतलब है कि शहर में जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। साइकिल पट्टी को बोला जाता है, कोतवाली होते हुए खलीफाबाग चौक होते हुए घंटाघर तक पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें कुछ हल्का फुल्का अतिक्रमणकारी के द्वारा झड़प भी किया गया। हमारे कोतवाली थाना इंस्पेक्टर के मदद से हम लोग जो है उसको शांत किए। दूसरी बात है कि आम पब्लिक का शिकायत जो है कि अतिक्रमण मुक्त शहर चाह रहा है, और उसी व्यक्ति के लिए आम पब्लिक के लिए ये लोग अतिक्रमण कर रहा है, तो उन लोगों को हटाना आम पब्लिक के सुख सुविधा के लिए ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अपने 1.5 साल के बच्चे को गोद में लिए एक महिला गुरुवार को भागलपुर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां महिला ने अपने पति समेत ससुराल वालों द्वारा उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी बाबूराम को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल भागलपुर के पीरपैती मिर्जा चौकी सलेमपुर निवासी नीतू देवी ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पीड़िता की गुहार सुनने के बाद एसएसपी ने उसे नजदीकी थाने में अविलंब केस दर्ज कराने की बात कही है। वहीं मिर्जा चौकी सलेपुर निवासी पीड़िता नीतू देवी का कहना है कि उसकी शादी गांव के ही जयकांत मिश्रा के पुत्र नीतीश कुमार मिश्रा से 11 दिसंबर 2019 को हुई थी और उसे 1.5 साल का पुत्र भी है। नीतू देवी ने बताया कि उसके ससुर जयकांत मिश्रा पेशे से वकील है, जो साहिबगंज कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और उसके शादी के समय एक सोने की अंगूठी देकर शादी तो हो गई, लेकिन 1.5 साल बाद उससे दहेज के रूप में 1.5 लाख रुपये की मांग उसके ससुराल वालों ने करनी शुरू कर दी, जिसे देने में वह और उसके मायके वाले असमर्थ हैं। पीड़िता ने कहा कि पैसे नहीं देने के कारण ससुराल वाले उसे हर समय भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करते हैं। साथ ही अपने ससुर जयकांत मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने कहा कि जब उसके पति घर में नहीं रहते हैं तो ससुर उसे गलत नजरों से देखते हैं, जिसका उसने कई बार विरोध भी किया और लोक लाज के कारण वह कई बार घर से बाहर निकल जाया करती थी। पैसा मांगते हैं, वो कहते हैं पैसा लेकर आओ तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और 1.5 साल का एक बच्चा भी है, वो मारपीट करके घर से हमको निकाल दिया है। वो घर घुसते हैं ना, पूरा मारपीट करता है। कौन? हमारे साथ पति और सास ससुर तीनों मिलकर हमको मारता है। क्या बोलता है? कहता है पैसा लेकर आओ तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। हम के लिए रोने लगे, हम पूरा माथा पटकते थे उनके पास, ससुर के पास। हमारे पास गरीब है, हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। कितना पैसा बोलो? 1.5 लाख ऐसे करके बोलते हैं। ऐसे करके नहीं चुकता करेगी ना तो बोलो कुछ भी लान के दो, ऐसे ऐसे करके ना झुका झोरी नीचा चौथी मतलब चूड़ी फोड़ा फोड़वल खूब करता था। बाल धर के ऐसे ऐसे मड़ो मड़ो के खींच देता था हमारे साथ। गंदा नजर से हमको हरदम देखते रहते थे। जब मेरे पति घर में नहीं रहते थे ना तो हरदम गंदा नजर से देखते रहते थे। हम ना डर से ना जल्दी कुछ नहीं बोलते थे, और जब थोड़ा सा भी मुखिया जी के पास जाते थे बोलने के लिए तो कहता था कि कहाँ चली गई निकली के, मतलब हर रगत से हमको आरोप लगाया जाता था। बिहार संवाद यात्रा के तहत गुरुवार को भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली योजना को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिले के कई अधिकारियों के साथ डीएम ने जल जीवन हरियाली के कई बिंदुओं पर चर्चा कर योजना के क्रियान्वयन के लिए कई
दिशा निर्देश भी दिया। देश के जाने माने पर्यावरणविद जल पुरुष राजेंद्र सिंह की पहल पर 25 अप्रैल से 27 मई तक चलने वाली बिहार संवाद यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं और इस यात्रा का संयोजक पर्यावरण प्रेमी एवं जल प्रहरी मनोहर मानव है। वहीं बैठक में डीएम ने लगातार बढ़ती गर्मी, असामयिक वर्षा और ग्लेशियर के पिघलने के साथ बाढ़ और सूखा की त्रासदी पर भी चर्चा करते हुए कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत जिले में कई तरह के कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि नियमित रूप से समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। इस दौरान कई तरह की आपदाओं से बचाव और निपटने को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। इधर बैठक के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल जीवन हरियाली समेत कई योजनाओं से संबंधित जानकारी भी दी। मौके पर डीडीसी प्रतिभा रानी, तबस्सुम अली, दीपक वर्मा, अजय वर्मा और समाजसेवी दीपक कुमार के अलावे कई पर्यावरण प्रेमी और अधिकारी कर्मी मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज के रेफर अस्पताल का गुरुवार को प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, उप आयुक्त मोहम्मद पारिस खान ने निरीक्षण किया। इस दौरान भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, उप आयुक्त मोहम्मद पारिस खान, सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने रेफर अस्पताल के जांच कर दवा स्टोर रूम सहित प्रसव कक्ष का जायजा लिया, साथ ही दवा के स्टॉक रजिस्टर का भी जांच पड़ताल किया। रेफर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर उषा कुमारी, डॉक्टर कुंदन भाई पटेल, प्रबंधक चंदन कुमार, लेखापाल सूर्य झा सहित कई कर्मचारियों से लेखा जोखा के बारे में गहन पूछताछ की। वहीं सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि आयुक्त दयानिधान पांडे द्वारा जांच पड़ताल के क्रम में कई डॉक्टर एवं कर्मचारी नदारद पाए गए, साथ ही अस्पताल में दवाओं की कमी पाई गई। साथ ही रेफरेंस प्रभारी डॉक्टर उषा कुमारी का ऑडियो वायरल की खबर पर कार्यवाही की बात कही। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। डिलीवरी रूम से लेकर, वार्ड से लेकर, आउटडोर से लेकर, ड्रग्स स्टोर से लेकर सारा कुछ उन्होंने देखा। उसमें अल्ट्रासाउंड का एक मुद्दा आया, आज जो सर देखे स्टोर में दवा थी अब जो है ना जी, जो फिर था है ना, स्टोर में कोई दिक्कत नहीं थी जी। और अस्पताल की साफ सफाई अच्छी थी, बिल्डिंग की भी उन्होंने प्रसन्नता की, बहुत अच्छी बिल्डिंग है यहाँ जी है ना, तो इसमें कोई दिक्कत, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब बहुत अच्छा है, अच्छा दिक्कत नहीं। मैं यही निकला कि जो एक दिन लोग आते हैं 24 घंटा करके भाग जाते हैं, ये एक मैंने रोस्टर भी उन्होंने देखा था, 24 घंटा का रोस्टर बना हुआ था, तो ये तो अनैतिक है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी बॉटनी विभाग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल यहां एचओडी और सत्र 2020-22 के छात्रों के बीच परीक्षा फॉर्म फॉरवर्ड करने को लेकर विवाद गहरा गया है। दो दिन पूर्व भी छात्रों ने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीवी सिंह पर बदसुलूकी का आरोप लगाते हुए प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के नाम आवेदन दिया था। करीब एक दर्जन छात्रों ने प्रभारी कुलपति एवं अन्य अधिकारियों को भेजे आवेदन में कहा है कि आंतरिक मूल्यांकन में वे अच्छे अंक लाए हैं, लेकिन विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत कारणों से उनका परीक्षा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। वे अपने पक्ष में लिखने और दूसरे शिक्षकों के खिलाफ लिखने का दबाव बना रहे हैं। छात्रों ने विभागाध्यक्ष पर गाली देने का आरोप भी लगाया है। मामले को लेकर छात्रों ने गुरुवार को विभाग में धरना दिया, साथ ही शिक्षक सीवी सिंह के अमर्यादित व्यवहार की निंदा की। धरना पर बैठे सुमित कुमार, दीपिका कुमारी और रहवर समेत के छात्र छात्राओं ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन कोई विकल्प नहीं निकालता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीबी सिंह ने छात्रों के आरोपों से इनकार किया, लेकिन गुरुजी किस तरह अपने शिष्यों से पेश आ रहे हैं उसे भी आप देख लें। भाई संघर्ष सबके सामने बोली है, हम जाते हैं भी जाओ भाई, जाओ भाई साथ साथ ठीक है, दिखा दो आप तो क्या तुम चुराज या बाप जो है उसके धंधा घंटा कर पाया, कोई बात मेरा नहीं है। हां तू बात करो, उसके चलते तुम लोग हमारे साथ भिड़े हो, कुछ चरित्रहीन आदमी को 75 को बच्चा जन्मा रहा है, कहता बाप बोलो तुम, हम ही सब काम करेंगे, चरित्रहीन आदमी। तुमको कह रहे कि तुम लोगों ने डिक्टेशन लिखा है, जिसने जो उस क्लास का है लिख के देगा, किसने कहा है हम लोग दस्तखत करेंगे, अरे कॉपी दिखाओ कि डिक्टेशन हम लिखा है उसमें भी करेंगे, इतना ऑप्शन दे रहे हैं, हमारा कोई इज्जत नहीं, हेड हेड तुम अजय हेड है क्या, नहीं आदमी को हेड बनाता है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। एक आवश्यक सूचना, यह बच्चा गूंगा है और 5 मई 2022 की सुबह 6 बजे से लापता है, जिसका नाम राज है, पिता का नाम इम्तियाज कुरैशी, उम्र 12 वर्ष, रंग गोरा है, बच्चे ने भूरे रंग का टी शर्ट एवं हरे रंग का ट्राउजर पहना है, जो चंबेली चक रोड मौलाना चक भागलपुर बिहार का निवासी है। बच्चे की जानकारी मिलने पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सूचित करने की कृपा करें।
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। यूं तो हमारा शहर भागलपुर स्मार्ट सिटी के रूप में कई वर्षों पूर्व चयनित हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद शहर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दरअसल भागलपुर के बरारी पुल घाट रोड की जर्जर हालत देख लोगों की परेशानियों का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। सड़क पर गिट्टियां उखड़ जाने के बाद यहां मिट्टी भरकर रोड को समतल किया गया था, जो हल्की बारिश होने के कारण बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है। जबकि बारिश के बाद गड्ढों में जमा कीचड़ के कारण आए दिन इस मार्ग में छोटे बड़े वाहन फंस जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार जिला प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। जिसकी जानकारी मिलते ही युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने इलाके की बदतर हालत को देखकर लोगों के साथ सांकेतिक विरोध जताया। इस दौरान बरारी पुल घाट रोड में धान का छिड़काव कर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इसको लेकर विजय कुमार यादव ने बताया कि कई महीनों से इस मार्ग की स्थिति काफी बुरी है और इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के कई स्कूल इसी मार्ग में हैं और बच्चों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कहा कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उसका उद्देश्य आप देख सकते हैं कि ये बरारी का ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से करीब जो है जितने हमारे भागलपुर से शमशान घाट जाने की रास्ता मेन रास्ता यही है, इसी रास्ते पे होकर जो है लोग शमशान घाट तक जाते हैं। उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, जो कीचड़ मतलब ये सड़क चल और ये खेत जो है, जो धान का जो खेत होता है हम लोगों का, वो खेत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो देखते हुए हम लोगों ने अभी धान की बुआई किया है इस खेत में, मतलब खेत नुमा जो सड़क है इस पे, सड़क पे जो है खेत, उसमें अपना धान की भी बुआई हम लोग किए हैं, ताकि सरकार की नज़र इस पे आवे और देखे कि ये क्या हो रहा है, ये सड़क पे क्या हो रहा है, क्या स्थिति है लोगों की। यह एक प्रकार का जनता बोल रहा हूँ, जनता का सेवा नाम है। यह तीनों रोड है, जबकि इसमें फैक्ट्री है, यातायात की सुविधा सारी चीज है। रोड बनाया ठीक किया, लेकिन सही ढंग से ठीक नहीं हुआ। क्यों कि यहाँ रोड खुदाई हुआ, हल्का फल्का मट्टी डाल दिया और हल्का फल्का मट्टी डालने के बावजूद गाड़ी पर गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। जो भी आदमी रात बरात जाता है तो उसको कठिनाई झेलना पड़ता है और गाड़ी जहाँ का तहीं फंस जाती है। जब से ये रोड बना है इतना धूल इतना डस्ट हो रहा है कि आदमी को खाने पर भी दुश्वार है। जहाँ रहता है वहाँ भी धूल से भारी भरकप हो जाता है। मधेपुरा सदर अनुमंडल के घैलार थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनगर में नहर किनारे एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर कर दी गई है। हत्या के संबंध में बताया जा रहा है कि स्वर्गीय संजन यादव की पत्नी रिंकी देवी देर शाम घर से बच्चों को यह कहकर निकली थी कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन वह घर नहीं लौटी और बाद में अज्ञात अपराधियों द्वारा बाली नहर के किनारे उसका शव मिलने की खबर मिली। मृतक की 6 साल की बेटी कुमारी ने बताया कि उसकी माँ उसे बड़े पापा के यहाँ छोड़ कर गई थी, लेकिन जब देर रात माँ के मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला, जिसके बाद वह सो गई और सुबह उसे गला रेत कर माँ की हत्या की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि मृतका रिंकी देवी के पति संजन यादव की मौत 3 साल पहले बीमारी से हो गई थी, जिसके बाद वह गाँव के ही विद्यालय में रसोईया का काम करती थी। इधर रिंकी की हत्या की खबर फैलते ही गाँव के लोगों की आंखें भी नम हो गई, जबकि ग्रामीण मृतका के 3 बच्चों के भविष्य को लेकर लोग चिंतित दिखे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया। घैलार थानाध्यक्ष जगदीश कुमार यादव ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कहना है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार से इसको हत्या कर दिया गया है। अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है।
उसको बख्शा नहीं जाएगा, अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा। क्या सबकी सर पहचान हुई है? सबकी पहचान हुई है। मृतिका का नाम हुआ है रिंकू देवी, पति का नाम हुआ क्या नाम पति का? संजन यादव, स्वर्गीय संजन यादव, साकिम बाली, वार्ड नंबर 1, थाना मधेपुरा, घेलारोपी, जिला मधेपुरा की निवासी है। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर पासवान टोला निवासी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रघुवीर पासवान पर हत्या की नियत से बुधवार को पहुंचे 4 हथियारबंद बदमाशों को ग्रामीणों ने घेर लिया, जिसके बाद इसकी सूचना औद्योगिक थाना को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही दलबल के साथ पहुंचे 0 माइल थाना अध्यक्ष कौशल भारती और ग्रामीणों ने एक अपराधी मोहम्मद हासिम को मौके से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बगीचे में दौड़कर बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद इसकी सूचना 0 माइल पुलिस को। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से पुलिस को एक देशी कट्टा और 4 कारतूस बरामद हुआ है, जबकि मोहम्मद हासिम के अन्य साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हासिम का पुराना आपराधिक इतिहास है और वह काफी दिनों से पुलिस से फरार चल रहा था, जबकि औद्योगिक थाने में उसके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामले दर्ज है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के रघुवीर पासवान का कहना है कि उसके घर के समीप बगीचे में ब्राउन सुगर जैसे नशे की बिक्री और युवाओं को इस दलदल में धकेलने का जब उन लोगों ने विरोध किया तो बदमाशों को यह बात नागवार गुजरी और आक्रोशित बदमाशों ने पिछले 20 फरवरी को दूध लाने गए उसके भाई बासुकी पासवान के साथ मारपीट की, जबकि हत्या की नियत से बम फेंककर बदमाश वहां से फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 0 माइल पुलिस ने एक बदमाश मोहम्मद इसराफील को गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद इसराफील को जेल से बाहर निकालने और केस में समझौता करने के लिए उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो बदमाशों ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। वहीं औद्योगिक थानाध्यक्ष कौशल भारती ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी को जेल भेज दिया गया है, जबकि मोहम्मद हासिम के खिलाफ 19 संगीन मामले भी दर्ज हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए। हमारा प्रशासन इस घटना के होने से बहुत ही डरा सहमा है और हमारे ऊपर कभी भी जानलेवा हमला फिर से हो सकता है, ये लगा के दूसरी घटना है। एक बार इससे पहले भी बम हमारे ऊपर फेंका जा चुका था, उसी केस में जो है कि अपराधी मेल मिलाप करने का दबाव बना रहा था, जिससे कि जो है कल सुबह हमारे साथ उसने जान मारने की नीयत से हमारे घर पर आकर के आधम का और बोलते हुए गया है कि जेल से निकलने के बाद एक और से पूरे परिवार का खत्मा कर देंगे। अभी भी उसका कुछ गुंडा जो है बाहर है और हमारे कल से मंडरा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज अजगैवीनाथ धाम के कांवरिया पथ में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर सीओ शंभू शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू और थानाध्यक्ष लाल बहादुर की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान कांवरिया पथ के शिवनंदनपुर विशौनी में पावर हाउस के समीप कांवरिया पथ को जेसीबी से अतिक्रमण मुक्त किया गया। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि पदाधिकारियों द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया था। वहीं सीओ शंभू शरण राय ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी के लिए कांवरिया पथ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। 22 की तैयारी के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कांवरिया पथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और इस फूली चल रही है, जब तक ये अतिक्रमण समाप्त नहीं हो जाए अभियान जारी है। 2 दिवसीय सदस्यता अभियान के तहत सुल्तानगंज कुमैठा पंचायत के कई गांव में राजद के पूर्व विधायक प्रत्याशी रामवतार मंडल ने सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान पंचायत के कई गांव में लोगों को राजद पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं इसको लेकर राजद नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए कुमैठा पंचायत के विभिन्न गाँव में सैकड़ों लोगों को राजद पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई, जिससे बिहार में राजद पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में आगे बढ़ सके। इस दौरान राजद नेता विवेकानंद यादव, सुधांशु यादव, अशोक ठाकुर, संतोष झा सहित कई कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। सदस्यता का विशेष अभियान है जिसमें हमारे वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, सभी संगठन के सभी साथी, हर पूर्व प्रत्याशी, सभी गांव के सभी बिरादरी में जा करके सुबह से ही हम लोगों ने, जिसमें आज कुमैठा मेरा था, कल हमारा आसियाचक है, विभिन्न गांवों में हम लोगों ने हर समाज के हर तबके को राष्ट्रीय जनता दल से, जैसे कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी कहते हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, हर एक जातियों को, हर एक उम्र के लोगों को, विशेषकर युवा महिलाओं को जोड़ने का हम लोगों ने काम किया है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर।
स्टेशन चौक पर अतिक्रमण दस्ता और दुकानदारों के बीच झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, कहा दहेज के लिए पति करते हैं प्रताड़ित। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर डीएम ने की बैठक, आपदाओं से बचाव के लिए दिए कई आवश्यक निर्देश। प्रमंडलीय आयुक्त ने रेफर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कमियां देख सिविल सर्जन को दिए आवश्यक निर्देश। और छात्रों ने विभागाध्यक्ष पर लगाया बदसुलूकी का आरोप, कुलपति से की शिकायत, विभाग में दिया धरना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।